अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि रब्बे करीम के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीना आने की वजह से जो लोग थोड़े से हेल्दी हैं, ख़वातीनों हज़रात दोनों ही इसमें शामिल हैं, उनको रैशेज का काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है, जिसको पंजाबी में लागे कहते हैं। चलने फिरने के बाद पसीना आता है और जिस वजह से रैशेज पड़ जाते हैं और इसमें ख़ारिश शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ जो कमसन बच्चे हैं, जिनको पैम्पर वगैरह लगाने की वजह से रैशेज पड़ जाते हैं, इन सब के लिए मैं एक नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नहायत ही आसान और आजमंदा नुस्खा है। नाज़रीन, आपने करना क्या है कि थोड़ी सी एक या डेढ़ चम्मच आपने ऑयल लेना है, सरसों का तेल लेना है आपने, एक या डेढ़ चम्मच ले लें, उसमें चार या पांच ड्रॉप आपने पानी के डालने हैं, उसको खूब मिक्स करना है। नाज़रीन, जितना आप मिक्स करेंगे ये थोड़ा सा थिक होना, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और जब आप महसूस करेंगे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसको रात को सोते वक्त आपने ब्रश की जगह पे लगाना है और रात को सुकून से सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे तो इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपके रैशेज में काफ़ी सारा फाका हो चुका है। जो बच्चों के पैम्पर का मसला है, तो आप पैम्पर लगाने के बाद थोड़ा सा पेस्ट जो है वो बना हुआ आपका वो लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो रैशेज, बच्चों के रैशेज ना होने के बराबर होंगे। नाज़रीन, जहाँ ये नहायत ही आसान और सस्ता सा टोटका है, लेकिन ये बहुत कारगर है, हमारा आजमुदा है, एक दफ़ा आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपको 99% अफाका होगा। मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए और नुस्खाजात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्त अहबाब भी उससे मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।